स्वागत करें नमस्कार दोस्तों, मैं अभी डायरेक्ट लता जी के घर से होते हुए यहाँ पर आ रहा हूँ आज उनकी पहली बरसी है गया तो जरूर था मैं वहां पर मेरा दिल बड़ा मायूस था इतनी बड़ी हस्ती न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में उनको लोग चाहते हैं उनके आवाज़ के दीवाने हैं आज वो हमारे दरमियान नहीं है पर उनकी आवाज़ के जरिए हमारे दिलों में वो बसी हुई हैं आप यकीन जानिए मुझे उन्होंने अपना भाई मनाया था और ताज भैया कहती थी आज भी मैं उनके घर में उनको कहीं ढूंढ रहा था कि लता जी कहीं पर होंगी यहाँ पर मुझे एहसास इस बात का हुआ कि मैं तो सिर्फ़ एक अदना सा इंसान हूँ उनके घर में आशा जी भी मुझे मुझे मिली वहाँ पर मीना जी भी मिली उषा जी भी मिली उनके दिल पे क्या बीतती हुई कि भगवान ही जानता है ऐसी हस्ती आज हिंदुस्तान में उनकी एक अलग पहचान है हिंदुस्तानियों को लता जी के नाम से भी जाना जाता है दरमियान में तो हमारे आज है नहीं मगर हमारे दिलों में जरूर है मैं अभी थोड़ी देर पहले जो वहां से कुछ तस्वीरें उतार के लाया था उनको मैंने फूल अर्पित किए वो तस्वीर मैंने भाई को अभी बताई बड़ा मायूस हो जाता हूं मैं जब भी एक छोटा सा इंसान और इतनी बड़ी हस्ती भाई के हैं और आज हमारे दरमियान नहीं रहे तो मैं थोड़ा सा उदास ज़रूर था मगर आज ये प्रोग्राम इन्होंने मुझे पहले बताया था तो मैं मैंने कहा कि इस प्रोग्राम में मैं ज़रूर जाऊंगा मेरी मोहब्बत मेरा खुलूस और आप थोड़े से लोग हैं बहुत कम लोग हैं मगर एक एक आदमी ना हज़ार हज़ार आदमी के बराबर है क्यों लता के लता जी के चाहने वाले बहुत कम होते हैं दिल से चाहने वाले उनको समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं आज उनके बरसी पर मैं भगवान और ईश्वर से उनके शांति के लिए दुआ करता हूं ईश्वर उनको बहुत अच्छा रखे और हमारे दिलों से मरे दम तक वो निकले ना ये हमारी मोहब्बत है थैंक यू वेरी मच आपका स्वागत है जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें लता दीदी अजरामर है आज वो हमारे बीच उपस्थित नहीं लेकिन हमेशा हमारे दिलों में राज करती रहेगी स्वागत दिनू भाई हमेशा हर किसी को हेल्प करते रहते हैं बहुत अच्छा प्रोत्साहन देते हैं मैं उनकी बहुत आभारी हूँ थैंक यू